फिलहाल कड़ुआ गांव के भीतर खड़े हैं, कड़ुआ गांव के खेतों में खड़े हैं। एक ऐसा किसान अपन मिल गया है जो कि कदे भी आपके खेत में किसी भी प्रकार का जहर का एक भी दाना, ना कोई सप्रा, ना कोई सल्फर यूरिया डीएपी कुछ भी नहीं गिरता। क्या सच्चाई भाई साहब? हाँ सच्चाई भाई जी। तुम बता फिर पैदावार कुकर ज्यादा काट रहा है क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे हाँ, तो पैदावार का नाश कर लिया हमें तो सेट मन घू काटा हाँ जीरी काटा हाँ और तेरे पर लिकड़ दी कौन पावे ना लिकड़ा भाई जी पड़ोसिया ज्यादा निकला है। पिछली बार 50 प्लस जीरी थी अपनी, 50 प्लस जीरी थी हाँ इस खेत में। किसी भी किसान ने मैं एक बार जाकर कह दू नहीं तो डीएपी गिरना बंद कर दे, यूरिया गिरना बंद कर दे, स्प्रे करना बंद कर दे, उनको पाछ तो लिकड़ आएगा चट्टू भाई। जो अपन हरी खाद बोई नहीं, ये डीएपी यूरिया का काम करे सारा। अच्छा हाँ, इसमें अपन 12 चीज बोई है। अच्छा, 3 तो अनाज है, 3 दाल है, 3 सब्जियां हैं और रेसा है, तेल है। तो ये डीएपी यूरिया सारी पूर्ति पूरी करा है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है डीएपी की पूरी पूर्ति हो जाए। एक बार कैमरा वाला भाई ने कहूंगा मेरे प्रॉपर तसल्ली दिखा दे आप जिस खेत में खड़े हैं। पिछली बरी इसमें जो जीरी थी पिछली साल हाँ, इतनी बड़वार थी, इसमें 6 फुट के लगभग थी। हाँ मैं आया था, वीडियो बनाया गया था इस खेत की और था मैं इस खेत की निशानी कर लियो क्योंकि पड़ाओ जिस तरीके से बढ़ते चाले गए नहीं आगे जिस हिसाब से भाई जाओगी फिर यह बिजाई जाओगी फिर यह तैयार होगी और फिर यह कढ़ाई जाओगी जिस मंडी में नहीं पहुंचने देनी। लगातार वीडियो दिखाते रहो क्योंकि इसके अंदर ये देख लो कैमरा घुमा दिखा दे जोर देख रही यो देख लो यो सारा सांग बांग इसका मैं बोर क्या जो कि सारी की सारी पूर्ति पूरी करेगा किसकी जो कि जहर गिरा करे मतलब क्या बात की बताइए अपने यहाँ 12 चीज बोई भाई इसमें 12 चीज हाँ। 12 गिनवा दोबारा 12 में 3 अनाज है हाँ, किस अनाज में ज्वार बाजरा मक्का है। ज्वार बाजरा मक्का ठीक है और 3 दाल है। दाल कौन? दाल में ढेचा मूंग अरहर ठीक है 6 होगी हाँ और 3 सब्जियां कचरी और घी आतोरी ठीक है 9 होगी 9 होगी और एक तेल है हाँ, एक सनी है हाँ, और है बोरा क्या काकड़ी री काकड़ी भी है काकड़ी एक है काकड़ी हाँ। यानी कि इस फसल की मतलब 12 चीज लेनी अपन है 12 चीज हाँ, वैसे तो 15-20 है हाँ, 12-14 लगभग बोस का। अब ये बताइए कि आप इसने बाओगे या फिर काट कर सुखाया के कुछ प्रक्रिया होगी? आप इसमें बाओगे जैसे अपन जीरी लगानी है कल न तो इसकी आप आज बाई कर देंगे दूसरे बाई कर देंगे और उसके बाद इसमें पानी छोड़ कर रख लेते हैं कद्दू तैयार कर देंगे। अच्छा बाई का जिक्र करूं जब आप इसमें बाओगे तो उजार के यूज करें क्योंकि आप रोटावेटर देखा तो रोटावेटर भी जमीन का नाश करे तो किस हिसाब से मतलब क्या गल कौन से उजार गल बाओ? इसको हर रोगल बाओ है भाई जी। अपन हर रोगल है हाँ, क्या ना दो सर हाँ दो सर ते सर मतलब सारा जमीन में लगा देना मला जाएंगे जमीन में इसने जमा सानी काट दे किसी का रेत मला जाएंगे ठीक है उसको। अच्छा उसके बाद आप पानी लगा के इसमें फिर आप हर रोगे साथ फिर पेड़े काटेंगे इसमें पड़ाली हर रोगा है पड़ाली हाँ ठीक है। अच्छा यू जो आप इसमें बाओगे पे कई बार के हैं डीएपी पहला बोया कर रहा और तो यो कितना देर में लगना शुरू हो जाएगा जमीन का? जमीन का जो एक हफ्ता बाद लगना शुरू हो जाएगा जी। एक हफ्ता बाद हाँ, सड़न लग जाए जी बदबू आने लग जाए इसमें सड़न लग जाएगा हाँ। ठीक है एक बारी भाई जितने भाई देखने लग रहे हो तो एक तो वीडियो शेयर कर दियो एक पहला पूरा पता सोता बता दियो जमीन कड़ा क्योंकि लोग इसे शहने हैं तसल्ली करेंगे इनको तुम्हें बुका के बना लिया वीडियो हाँ। पूरा एड तीन पहुंचना उनकी से ना तो आप बात बता दो कुकर पहुंच का पता सोता। मेरा नाम रोहतास है जी गाँव कड़वा है जी और मेरा खेत यहाँ कड़वा गुरुकुल के पास है इसका मतलब 5-4 है। मतलब गुरुकुल के जो लागदार हाँ। रजवाया है दिखा दे भाई उस साइड गुरुकुल है उसका लागदार रजवाया है रजवाया की बग्गी लोट जिता में पूरो दिशा नहीं पड़ेगा नहीं हाँ हाँ। पूरो दिशा का नहीं चालो पड़ा है कई किले मान लो आधा किलोमीटर है आधा किलोमीटर हाँ। आधा किलोमीटर तमें चलोगे सुनील भाई आज आपसे भी 2-4 बातें पूछनी है क्योंकि आज जो है इसे बंदे ने गल्ला लिया है इसे स्पेशलिस्ट ने गल्ला लिया है जो कि नुको है कि भाई एक किसान ने बाजार में नहीं जाना कोई जहर नहीं खरीदना और तो और तुम्हें फसल बोलो इस तरीके से लोग ले भी तारे खेत में आप जाओगे तुम्हें तो ट्रेलिंग गेट के लिए जाने भी क्या सच्चाई भाई जी? भाई या तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत है पिछली बार भाई तो पूछ ले सारी फसल उतर दिखी है। अच्छा उरे तो आज ये पड़ोसी भाई रे युवती था जी मेरा अजय भाई अपना रोज खेत में आवा है। अच्छा दौड़ मारना हो याम करना हो जी का रेट 4000 था बाकी 6000 भाई मारी 4000 था बिकी 6000 हां तो नुकसान आ गया फायदा होया फायदा भाई इवन बता एक तरह फायदा देख कर उसी पड़ोसी के जागरूक हो कोनी रे और पतली गड्ढा में भी कौन ला था कि मैं लाऊंगा। अच्छा और भाई लगभग 10 व्यक्ति तैयार है जी कड़वा गांव से हां जी। अच्छा यह मुहिम है जो आपने छेड़ रखी है या इस तरीके से खेती करने वाली मतलब नहीं बताओ ये तो ये जो फार्मा कंपनियां है पेस्टिसाइड कंपनियां है जो बड़ी बड़ी है जहर बेचे हैं इन्हें फैल कर देंगे फिर सुनील भाई कि मतलब अपने पास प्राकृतिक तरीका भी था खेती करने का
तो मतलब ये बीच में घुसे यार अपना, मतलब जमीन भी बीमार कर दी, अपनी फसलें भी बीमार कर दी, अपने पशु भी बीमार कर दिए, और तो और हम खुद भी बीमार कर दिए। देख एक तो बात यह है भाई सुमित, अजय माफ करिए भाई, कि जो आप आज खड़े हैं, मैं प्रकृति पर परमात्मा की व्यवस्था पे इतना विश्वास करूं कि मैं भाई इस टाइम तक ना तो पाड़े कटे ना इसमें प्योद लागी यानी जीरी भी लागी, जीरी लागन तो पहले प्योद लागन तो पहले, मैं यह गारंटी दूं अब की बार इस खेत में जीरी 60 मन के लगभग आएगी यानी 24 क्विंटल 11-21 केवल एक शर्त ना छोड़ गए, ना तो अति ओले पड़े और ना बाढ़ डाले, मौसम कितना ही गर्म हो जियो कोई दिक्कत नहीं, बारिश हो जियो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों कंडीशन में ओले अति ओले, ओले में नहीं फर्क पड़ता एक आदि बराजे तो, अति कंडीशन ओले की और अति बाढ़ की, इस दो इन दो हालत में तो मैं ये कहूंगा कि कुछ भी हो सके, लेकिन ये ना हो तो इस खेत की पैदावार टाइम तक पहले जबकि बीज भी नहीं पड़ा इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पैदावार 24 क्विंटल तो ऊपर यानी 60 मन तो ऊपर लिख रही 11-21 जीरी की हर हालत में, हर हालत में। दूसरी बात यह है कि या जो भविष्यवाणी है या भविष्यवाणी बम नाली को नहीं, या भविष्यवाणी एक प्रकृति को, प्राकृतिक विज्ञान को और परमात्मा की व्यवस्था को समझ के और विज्ञान आधारित बात है भविष्यवाणी है, नू लगा लो। दूसरी बात यार ही जो आपने पूछा कि भाई क्या कह रहे थे आप ही भे? हमें कहना लग रहा था इतने सारी कंपनी नहीं बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी और यो इतना बढ़िया काम है तो यो खत्म क्यों करोगे? समाज का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है जिन्हें आप स्वार्थ का लालच का हिस्सा कहवा, कंपनियां ने क्या करा जब आप अपने बूढ़े खेत में खेती करा कर दे तो सब नॉर्मल होया करता, जोर होता भाई ने कही 12-14 चीज बोई है, ये 12-14 चीज सब खेता में होया कर दी, फला होया कर दी, हाँ ज्वार बाजरा मक्का डैचा अरहर तिल सब होया कर दिए, जिसका क्षण भी हो गया और पूरे समाज में हर चीज गाँव में थी नमक ने छोड़ के, लेकिन इन्हें क्या करा पहले मंडी दी और मंडी के साथ में भाव दिया और कह दिया कि केवल मंडी गेहूं और जीरी को ही मिलेगी, तो आदमी ने ये महसूस होगा कि भाई जब तेरे ही गांव में बिकता हो और अच्छा रेट बिकता हो तो वही चीज बोले ना जो आराम से सीधा पीसे हमें, हाँ। तो लोग धीरे धीरे करके गेहूं और जीरी पा गए, लालच में फंस गए, जिस तरह बढ़ दे रहे खेत में केमिकल बढ़ दे रहा, बीमारी बढ़ दे रही, खर्चे बढ़ दे रहे और लालच आंदा गया कि और ज्यादा खार मारेंगे, आज इस कुचक्कर में फंस गए, एक एक किसान पूरा साल लाखों रुपए का जार गिर दिया और उसमें तक काबू नहीं आ रहा। एक मोड़ा गांव है उरे नजदीक, एक भाई मिला था 100 किले का मालिक है, 100 किले की खेती करा है, बोला भाई साहब है नी के इतना बताया उसने 10 लाख रुपए का तो केमिकल गिर दू मैं, अच्छा नॉर्मल जमा जीरी एक फसल की बात है, जीरी की। अब मैं न्यू कह रहा था भाई तू न्यू कर खेती छोड़ दे और ये 10 लाख बचा ले तो 10 लाख साल के तेरी खतरे बतेरे होंगे कमाई के, बच गए। तो मतलब खेती करके सत्यानाश लाग रहा करने, इससे बढ़िया तू खेती ना करे, और अगर तेरे बात समझ में आवे अगर भाई खेती करना मतलब इस टाइप तक नुकसानदायक है, हाँ। तो खेती का रास्ता बदल, और वो रास्ता बदलने का तरीका ये है इस टाइम आप ये भविष्यवाणी करने लग रहे और आपने कह है कि भाई हर महीने बाद आप और 15-20 दिन इस खेत की वीडियो बनाकर अपडेट करांगे कि भाई इस खेत की आज हालत क्या है, आज आपने ये चारा देखा है, हाँ। इसमें 12 डाल की चीज है, हाँ। ये अब लगभग अगले 10-15 दिन में जीरी लगेगी, 15 दिन हो जाएंगे ना 10 तारीख के आसपास, तो यो लगभग 8-9-10 फीट का हो जाएगा, जब ये 10 फीट का ढांचा कटेगा तो ये 200 कट्टे यूरिया के बराबर की ताकत खेत को देगा, इतनी पावर है। सबसे और बात है आप कह रहे थे कि भाई कितने दिन में गड़ जाएगा, पहले 4 दिन में यार, पहले तीसरे दिन में ही ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो ऊपर का पत्ता है जो ये पत्ता ये तीसरे दिन गड़ जाए, अच्छा फिर इसके नीचे का ये तना गड़ेगा, ये सॉफ्ट है, फिर इसके नीचे का गड़ेगा, फिर नीचे का गड़े और फिर जड़ गड़ेगी, यानी पहले 3 दिन तक शुरू होकर और 6 महीने तक खाद बना इसमें, और जब 6 महीने तक खाद बन रहा है तो हर हफ्ते में और 10 दिन में ये डैचा, ये जो डैचा कह रहा हूँ ये हरा चारा अपने खेत को 20 कट्टे यूरिया हर हफ्ते दे रहा है, इतना कमाल है 10-15 कट्टे 20 कट्टे यूरिया के बराबर, बिल्कुल इतनी पावर देने लग रहे हैं। यदि किसान खेत में रहता हो, उसके मकान रिहायश खेत में हो, तो उसने इसका मतलब 6 महीने उसका डोला तो बाहर निकलने की जरूरत है,
ना तो इसमें डांगरा खेतर बाहर जाने की जरूरत। अगर मान के चलो 12 चीज है और फिर दूसरे सीजन में आएगी कई चीज, उसने कुछ नहीं करना, डांगरा नू भी छोड़ देनी, तो इसमें डांगर खा भी लेंगे, तोड़ भी लेंगे, मैं गड़ लेगा, उसने तो बाहर के खर्चे की कोई जरूरत नहीं। इफ कैल्शियम की बात है, आयरन की बात है, मैग्नीज की बात, सारा का सारा सौदा फीड में लावा, इसमें सारा फीड है क्योंकि 12 बीज है इसमें और सारे डाल का चारा है, अपनी मर्जी से छट छट का डांगर खा देगा, तो दूध शुद्ध हो गया, दूध जहर बिना जहर का हो गया, बिना जो है बिना जहर का दूध, घी दही लासी सारा सौदा हो गया, खेत का अनाज बढ़िया हो गया, नून नून बच गया, नून मजा रहा है। सवाल यू भी है जनता का भाई जी, आपने खेती कितने साल करी है? करीब एक भाई ओके आग रहा है मतलब खेती खसमा से थी एक बात, और दूसरी बात है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। मैं तो बताऊं, मैं यह बात ताड़ करूं बता रही, मैंने कई साल खेती करी, मैंने जो बात कही है रोहतास भाई पिछले साल बात हुई थी, परिणाम कितने आए? बहुत बढ़िया आए, न्यू के न्यू आए जो कहे थे। मैंने तो एक बात कही थी कि 3 साल मेरी मान लियो और उसके बाद जो जी करो खेत में कर लियो। मैंने तो न्यू कहा था तीसरे साल में अगर मेरी मान दे रहे तो हाँ। तीसरे साल में 70 मन की एवरेज की जीरी नहीं आएगी तो मैं भाई मुंह नहीं दिखाऊं। यू सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि अगर आप न्यू कहते मैंने खेती करी है तो आपका दिया हुआ ज्ञान ठीक है, और कमाल की बात तो यह है सुनील भाई जी, जिसने कदे खेत का खै भी नहीं बेरा, किताबा में पढ़ गए, जैसे कि नहीं बोला स्विमिंग कैसे करते हैं, किताबा में पढ़ गए, ऊपर पानी में बढ़ने डर लगा है, तो वह किताबा में बैठकर आम खुर्द ऊपर ही बिठा रखे, महकमा में डिपार्टमेंट में बिठाया गया है, जिसने खेता कुछ भी नहीं बेरा, कदे खेता में आए नहीं, मतलब गोबर तो उन्हें बांस आया है, वह आकर खेता में बताओ किसान खेती कैसे करनी। जब किताबी ज्ञान देकर तिरना सिखावे तो फिर जब वो सीखने वाला आदमी कूदेगा नहीं पानी में तो डूबना है, तो डूब गया कि नहीं देश? डूब गया। तो जो किताबी ज्ञान था उसने न्यू डुबोया देश। और मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, इसके अंदर मतलब नीचे कौन कौन सी चीजें ये जरूर दिखा दी है क्योंकि अंधेरा भी होने लग रहा, इसमें लगभग ये बेल भी है तोरी की, कचरी की, और और ज्वार भी है, डैचा भी है, अरहर अरहर के बीज, अरहर के पौधे भी हैं, क्योंकि इसमें क्या होया कि थोड़ा डैचा ज्यादा हो गया तो कुछ पौधे इसमें कम रह गए। मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि भाई आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, भाई रोहतास जी का ये खेत है, मैंने इनको एक बात बोली थी कि बस काफी है, एक बात बोली थी कि अपना गांव अपना जो खेत है ना, ये खेत अपना खेत नहीं, इस खेत का परिणाम पूरे गांव का परिणाम है। अगर इस खेत का परिणाम बिगड़ गया ना तो पूरा गांव गाली भी देगा और अगले 20 साल तक मेरे जैसा बंदा का न्यू नहीं कह पाएगा, जहर हटा दो या जहर छोड़ दो। तो भाई ने मान ली, पिछले साल 3 किले करे थे इन्हें, 3 के 3 किले में बंपर पैदावार रही, ना कोई बीमारी आई, बीमारी तो कोई थी नहीं, ना बीमारी। अच्छा, एक कमाल का सवाल यो भी है, कमेंट में आया था, मैंने पढ़ा था, सुनील भाई जो बताओ है नहीं कि प्राकृतिक खेती करो, ये भी भाई ने पिछले साल करी थी, तो ये तुम्हें बताओ बीज बाजार तो लिया एडे तो बना जिबका तो अपना बोया है, अपना ला रखा है, अपना बीज बोया जो है अपना है पिछले साल वाला। अच्छा हाँ, सारा सारा बीज बोया नहीं, हाँ प्योर जो है हाँ। वो अपनी बोई है, अपनी बोई है हाँ। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो अभियान है, जो प्रयास है, वो यही है कि भाई बाजार से जमा कट जा लेने के टाइम पे और बेचने के टाइम पे खुला बेचांगे, तो यानी अपने खर्चे ना के बराबर और जब कमाई की बात आओ तो कमाई करांगे फुल। इब जिस तरह कई भाई ने कहा था कि 4,000 की बजाय 6,000 भी की, कहीं का न्यू समझ बाजी और गुणी महंगी भी की, या गुणा महंगा लाओ यार अगला कुकर लेगा, भाई जब डॉक्टर के जावे ना तो लाखों बढ़िया पैकेज सा देकर आवे, चेक देकर आवे और बढ़िया मोटी मोटी गच्छी देकर आवे, उसकी बजाय 2,000 रुपये क्विंटल या 2,500-4,000 रुपये साल का अगर भाई की गोज में गल जाए तो अमृत देगा जमाने में एक नंबर का। अच्छा, वो नारा भी है अपना है कि वो एक बार नारा जरा पब्लिक, नारा यही है जो मेन मतलब मूल है अपने जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम का, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार। पिछले साल पैदावार तो आली पूरी यूरिया DAP तो ज्यादा आली, दो मन फालतू, इबके पैदावार 10% फालतू है, फालतू इबके 60 मन का टारगेट है। और मैं यह उम्मीद करूंगा भाई रोहतास जी से निवेदन करूंगा, जो जो मैं एक आधी बात और कहूँ इसमें पोषण की बीच में वे इबका छोड़ियो ना, ठीक है। पिछली बार एक आधा स्प्रे रह गया था जो आप गौमूत्र का स्प्रे कर रहे सारी चीज स्प्रे का जिक्र करे आपने, हाँ मतलब बीच में जो बीमार दुफड़ा हुआ है, बीमारी आंदी है नहीं, अच्छा आपने पोषण बढ़ाना बस, अच्छा तो पोषण अगर बढ़ा दिया तो फिर इसकी जो ग्रोथ है जीरी की वह मतलब अलग मौज करेगी। अपना एक और बात है कि भाई केवल जीरी नहीं लेनी, जीरी लेनी है केवल 3 साल,
उसके बाद इस खेत में जो जी करो कर लियो, क्योंकि माटी इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर हो जाएगी, अगर जिस तरह माँ है नहीं, माँ स्वस्थ है तो छोरी हो जाए तो छोरा हो जाओ, वो स्वस्थ होगा। तो यह माटी अगर माँ है या मजबूत होली, तो इसमें जो बीज बोओगे वो बीज फिर मजबूत और पहलवानों के निकलेगा। पिछली बार अपन देख लिया, मैं तो 12-13 साल तक देखने लग रहा, अपने परिणाम कई साल लिए और लेने भी लग रहा। बाकी जितने इस गांव में लगभग 10 साथी हैं, अरे चारा कितने ने बोया? समाज की बात करांगे, परमात्मा देख ला रहा, यो तो आज है मेरे कंधे आ गया, नहीं तो किसी और तो नहीं कंधा नहीं। अगर भाई एक बार वीडियो बनूंगा भाई इतने ची है भाई मेरे दौरे है कोनी, तो भाई अजय तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सीरीज है आप अगले 5-10 दिन में जीरी लागण का पहले सारे खेता की बनावांगे और ये रिकॉर्ड देखांगे भी अपने आप उस गांव में भी थे लोड थोड़े भी दो साथी थोड़े लेट हो गए आप बाद में बनावांगे। लगभग जितने भी साथी अब की बार रचारा और ये बो रहे हैं उन सब की वीडियो बना के और अपडेट करते रहेंगे हर 15-20 दिन में महीने में, ठीक है। और लास्ट तक जब पैदावार आएगी उस पैदावार के तुलन तक आप इसकी वीडियो की सीरीज बना के और समाज को ये दिखाऊं भाई जो अपन काम कर रहे हैं मोर्चा की जो मुहिम है उसमें कितना दम जे बात में तुमने जैन लग गई हो कि मैं दमदार की बात लग गई हो तो भाई वेट करियो अगली वीडियो का, क्योंकि आज जो है तारीख कितनी होगी? 23 तारीख ना हमने ये उपक्रम शुरू कर दिया है वीडियो बनाने का रेगुलर, आपके मैंने दिखाया जिस दिन जीरी लगेगी और जिस दिन इसमें आप पाड़े काटोगे यानी ट्रैक्टर चलेगा उसकी वीडियो आप बनावांगे, जीरी लागण की वीडियो बनावांगे, फिर उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पे 20-22 दिन में अपना कराएंगे। तो ये वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहोगी और आखिर में जिदिया जीरी ट्रेली में गलेगी जिदिया लिकड़ेगी तो उस दिन सारी वीडियो का कंपेरिजन करके ना आप जो है फाइनल रिजल्ट जरूर दिखाना काम कराएंगे। फिर एक और बात कहूँ, गारंटी है यार, पैदावार की गारंटी है, गारंटी तो मोदी ने भी दी थी भाई साहब, गारंटी हम भी देख लेंगे। सुनील मैंने नहीं कोनी कही गारंटी सुनील की ना, गारंटी है इस चारे की, अच्छा। गारंटी है इस पौधे पोषण की, गारंटी है उस परमात्मा की व्यवस्था की, गारंटी है प्रकृति की, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं प्रकृति को प्रकृति के साथ मिलन करवा रहे, जो आप इन डॉक्टर ने कृषि विभाग ने तोड़ दिया, जो प्राकृतिक साइकिल तोड़ दिया, हाँ जो प्रकृतिक साइकिल तोड़ दिया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा योगदान थोड़ी समझ का है, जो मैंने बेरा लगा जो मैंने भाई तो बता दिया इस तरीके तक आप बताते चले जाओगे। बात है सुनील भाई ने और इस किसान ने बहुत अच्छी करी कि भाई इसकी वीडियो बनवा ली, जे चुपके चुपके यू काम कर जिंदा जी यू फैल हो जिंदा तो आपने दे तो कुछ नहीं फिरा पटर दे ईव की मैं गड़बड़ होगी तो पाछो दिखा दे मैं फद्दू बना रहे थे अरे भाई या चीज सही लिखड़ आई तो भाई मिसाल बन जाए जे भाई जो भी है नी किसान यो आग मेरा खेत में गेड़न लग रहा नहीं भाई गेड़ी हो ना सुन लियो समझ लियो परख लियो आगे तसल्ली कर लियो। आपका के कुछ कहना है कमेंट में बता दियो, अगली वीडियो का इंतजार कर लियो, इतने चैनल ने फॉलो करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तक रहे एज ए।